महादेव के भक्त लाखों में होते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि किस भगवान की आराधना कैसे की जानी चाहिए और उन्हें कौन कौन सी चीजें पसंद होती हैं और कौन कौन सी चीजें नापसंद। वहीं शिव जी जितने ही भोले होते हैं उनका गुस्सा भी उतना ही रौद्र होता है। वहीं अगर आप शिव जी को खुश करना चाहते हैं तो इन चीजों को शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से आप पर उल्टा असर पड़ता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। शिव जी को केतकी का फूल ना चढ़ाने के पीछे एक कहावत है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई कि दोनों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी वहाँ एक लिंग प्रकट हुआ। दोनों ने देखा और अपनी सहमति से निश्चय किया कि जो भी लिंग के छोर का पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर दोनों शिवलिंग का छोर ढूंढने अलग अलग दिशा में चले गए। विष्णु जी को छोर ना मिलने के कारण वह लौट आए। वहीं ब्रह्मा जी केतकी का फूल ले आए और बोला कि उन्हें यह फूल लिंग के आखिरी छोर से मिला है। ब्रह्मा जी का यह झूठ सुनकर शिव जी ने गुस्से में उनका एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी इस फूल का इस्तेमाल नहीं होगा। वही बात करते दूसरी चीज का। शिव पुराण के अनुसार जलंधर नाम के असुर की पत्नी तुलसी के मजबूत पति धर्म की वजह से उन्हें ना तो कोई देव और ना ही कोई असुर हर पाया। तभी विष्णु जी ने तुलसी के पतिव्रत को खंडित करने के लिए तुलसी के पति का रूप धारण किया और उनके पास चले गए। तब तुलसी का पति धर्म टूटा। यही कारण है कि शिव ने जलंधर का वध किया जिससे तुलसी जी ने खुद को भगवान शिव से दूर किया। अब बात करें तीसरी चीज यानी देवताओं पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को हमेशा ग्रहण करना होता है। जिन चीजों को अर्पित किया जाता है उन्हें ग्रहण नहीं करते। यही वजह है कि शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। वही बात करते चौथी चीज, शिवलिंग पर भूलकर भी कभी हल्दी नहीं चढ़ाते क्योंकि हल्दी महिलाओं की सुंदरता के काम आती है। वही बात करते पांचवी चीज यानी आखिरी चीज। वही कई देवी देवताओं को सिंदूर लगाया जाता है लेकिन शिव जी के लिए विनाशक होता है क्योंकि इसे महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए अपने मांग में संवारती हैं और यह शिव जी के लिए अशुभ होता है। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।